अपनी नेक कमाई में से कुछ पैसे निकालकर, कुछ उसका हिस्सा निकालकर दूसरों की सेवा करना, ये डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों का परम धर्म माना गया है। इसी के चलते पूज्य गुरु जी के शिक्षा के अनुसार डेरा सच्चा सौदा के सेवादार ये कार्य लगातार कर रहे हैं। ऐसे ही आज हम कुरुक्षेत्र जिला के ब्लॉक धुराला में पहुँचे हैं। यहाँ का एक गांव है हरिपुर बड़ाम। यहाँ रहते हैं अमित, उनके फादर हैं अवतार सिंह, उनकी माता हैं और एक हैं भाई। पूरा परिवार ही बीमारी से ग्रस्त है। दोनों बच्चे जो हैं वो उनकी टांगों से वो अपाहिज हैं, वह अपने पाँव पर चल नहीं सकता और ट्राईसाइकिल के अभाव में वो यहाँ से हिल जुल भी नहीं सकता और अपने घर या बाहर सड़क पर बैठा रहता है। आइए दिखाते हैं इस बच्चे की कहानी और ये किस प्रकार से चल पाता है और ये इनको अब ट्राईसाइकिल देंगे। डेरा सच्चा सौदा के सेवादार इंसानियत के कार्यों के लिए यूं ही नहीं जाने जाते, बल्कि ये सेवादार असहायों को पूछ पूछ कर उनकी सेवा का कार्य करते हैं। ऐसा ही देखा गया कुरुक्षेत्र में, जहां 25 मेंबर रामदास, राकेश अग्रवाल व मास्टर ओम प्रकाश गांव धुराला से सराय सुखी जा रहे थे और उनकी नजर गांव हरिपुर बड़ाम में सड़क के नजदीक बैठे एक अपंग युवा पर पड़ी। सेवादारों ने अपनी गाड़ी रोकी और अपंग युवा का हाल जाना। सेवादारों ने कुछ पैसे उसे देने चाहे, लेकिन उसने लेने से मना कर दिया और अपनी माँ से बात करने के लिए कहा। इस पर सेवादारों ने अपंग युवक की माँ से बात की तो वह भी बीमार अवस्था में थी। इस पर सेवादारों ने कहा कि उनके गुरुजी की शिक्षाओं पर चलते हुए वे आपकी मदद करना चाहते हैं। वहीं उस अपंग युवक की मां ने कहा कि वह खुद पूज्य गुरुजी के बारे में जानती है और उसके बेटे को ट्राईसाइकिल की जरूरत है, उसे यकीन है कि आप उसकी मदद जरूर करेंगे। इस पर सेवादार युवक अपंग को अपनी गाड़ी में बिठाकर दुकान पर ले गए और उसकी मनपसंद ट्राईसाइकिल खरीद कर उसे दी। इस दौरान उनके पिता अवतार सिंह भी नामचर्चा में पहुंचे। अवतार सिंह ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा कि उनका पूरा परिवार बीमार है, ऐसे में डेरा सच्चा सौदा के सेवादार उनके लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। मैं डेरा सच्चा सौदा के पूज्य गुरुजी को बारंबार नमन करता हूं, जिनकी शिक्षाओं पर चलते हुए वे इतनी सेवा कर रहे हैं, घर घर जाकर दुखियों की सेवा कर रहे हैं। इस कार्य में रामदास, राकेश अग्रवाल, मास्टर ओम प्रकाश, मंजीत मलिक, ठाट सिंह, संजीव डुल, दिनेश शर्मा, संदीप सिंगला व अन्य सेवादारों ने सहयोग किया। कहाँ के रहने वाले हैं तो क्या कहेंगे अपने बेटे के बारे में, कैसी दिक्कत हुई थी इनको? इसको तो 4-5 साल के बाद दिक्कत हुई थी, दिखाया भी बहुत है, चंडीगढ़ से जवाब दे दिया, बोलने लगे भी इसकी मम्मी ने कमी होगी, इसके डैडी ने होगी। मम्मी ने तो इसमें है ही कमी, मगर डैडी में कोई कमी नहीं भाई। अगर फिर उसकी मम्मी ने भी कमी की, मम्मी ने भी इसकी जो मम्मी की वो ये इस तरह कर करने के 7 पीढ़ी तक चलेगी। तो दिक्कत क्या है इनको? दिक्कत तो चलने में दिक्कत है, चल नहीं सकते, जैसे पैरालिज हो जाकर वही है। अच्छा, तो परिवार की स्थिति कैसी है और आज जो ट्राईसाइकिल दी है ये डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों द्वारा, इस बारे में आपका क्या कहना है? ये बहुत अच्छी बात है जी, बहुत सेवा लगाई ये भी ठीक है जी, बहुत डेरा सच्चा सौदा दी जी। मेरे को भी खैर दिक्कत तो जी, मेरे को भी मेरे ख्याल में 3-4 साल से मेरे कैंसर का रोग है मेरे को भी। ओहो, खैर अब तो ठीक है जी, मैं अब तो काम भी करने लगा। मैं 1 महीना 8 दिन मैंने कोई पानी भी नहीं मिला, चला रोटी तो बहुत दूर की बात है। तो दिहाड़ी मजदूरी क्या काम करते हैं? राजमिस्त्री काम करे। डेरा सच्चा सौदा संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी ने सुनारिया धाम से 25 जनवरी को एक चिट्ठी के माध्यम से वचन करे। 137वां मानवता भलाई का कार्य है भाई, गरीब लाचार की हेल्प करेंगे, असहाय गरीब को इलाज कराएंगे और इनको खाने पीने का सामान देंगे। तो हम धराड़ा नाम चर्चा घर में मैं और बाबा जी यहाँ आए, आने के बाद हम अटवान चले गए अटवान, तो रास्ते में ये लड़का अमित और ये लड़का साइकिल चला रहा था। हमने इसको कहा भी बेटा कोई सामान ले ले खाने का, तेरे को सामान दवा देते हैं। बड़ा जोर लगाया ये, कहने लगा नहीं जी मैं कुछ नहीं दूंगा। फिर 200 रुपये निकाल के दिए भी इसको, तू 200 रुपये रख ले। कहने लगा नहीं जी मेरी अम्मा जी को मिल दो। घर गए अम्मा जी से मिले, अम्मा जी भी मालिक की प्यारी बड़ी नीतों वाली थी। उसने कहा भाई ज़्यादा करते हो, हमने बताया भी डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी हैं हम, तो कहने लगे ज़्यादा करते हो आप, मेरे लड़के को मेरे पोते को साइकिल दवा दो ट्राई साइकिल। तो उसके बाद ही ये आज से मेरे ख्याल से 5-7 दिन की बात है। तो इसका जो दूसरा ब्रदर है वो भी ऐसा ही अपाहिज है, माँ है वो भी लाचार है, बाप है वो भी कैंसर से पीड़ित था, घर में मतलब गरीबी थी, लाचार थे बेचारे और नीतों से भरे हुए थे। इन्होंने आज यहाँ धराड़ा नाम चर्चा घर में सब हम एकत्रित हुए 25 मेंबर हम और 7 संगत 15 मेंबर 7 संगत के सामने आज इसको ट्राई साइकिल दिया गया।
और ये सब का सब सारा का सारा श्रेय हाँ संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी हिंसा को जाता है, जिनकी शिक्षा पे चलते हुए साध संगत एक मिनट में हाथ खड़े करके अमल कमा लेती है, ये सब उन्हीं की दया में है।